नीमच सिटी थाना अंतर्गत ग्राम केनपुरा में गत दिनों एक विवाहिता महिला के साथ मारपीट की घटना के बाद हुई उसकी मौत को लेकर आज परिजनों ने एसपी कार्यालय ज्ञापन सौंपा और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शिवपुरिया गांव के हंसराज पिता सूरजमल बंजारा के परिवार और ग्रामीण आज लामबंद होकर एसपी कार्यालय पहुंची। यहां पुलिस अधीक्षक के नाम सौंपे गए ज्ञापन में मांग की कि हमारी बहन ममता के हत्यारों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में कहा गया कि ममता के साथ उसका पति विक्रम बंजारा, जो कि ग्राम पूरिया कर रहने वाला है, शराब पीकर अक्सर मारपीट करता था। 4 जनवरी को भी विक्रम और उसके घर वालों ने ममता के साथ मारपीट की, जिसके चलते ममता की मौत हो गई। ममता का 8 वर्ष का बेटा और 6 वर्ष की बेटी भी है। ममता के पिहर वालों ने आरोप लगाया कि ये लोग अक्सर उनकी बहन के साथ मारपीट करते थे। इस मामले में विक्रम और उसके ससुराल वालों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। ज्ञापन सौंपते समय हंसराज बंजारा, शौकीन बंजारा, कैलाश, राजू, तूफान, लक्ष्मण, मुकेश, रोड़ीलाल, मोहनलाल, राहुल और बड़ी संख्या में ममता के परिहर पक्ष और ग्रामीण मौजूद रहे। जी, हम ममता को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। ममता भाई कैनपुरिया से हैं, उनके पति का नाम विक्रम है और उनको पुलिस ने अभी तक अरेस्ट नहीं किया है। 3 दिन हो चुके हैं, 5 तारीख के दिन की घटना है ये। हम ममता भाई को न्याय दिलाने के लिए यहाँ CSP साहब के यहाँ पर आए कि उनको मारा है। ममता भाई को ससुराल पक्ष वालों ने मारा है और हमको करीबन 8 बजे कॉल आया था कि हमारे से झगड़ रहे हैं ये ससुराल वाले, जेठ जी, जेठानी, सासू जी और मेरे पति झगड़ रहे। तो हमने बोला कि हम आए क्या आपके पास अभी, तो उसने बोला कि नहीं, आप भी आ रहे हो तो आओगे, रात में भटकोगे, इसलिए सुबह आ जाना और मैं थाने चल के अपन रिपोर्ट करेंगे नीमच चल के। तो उसने ऐसा बोला था, तो हमने बोला कि चलो ठीक है, अपनी बहन संतुष्ट है, हम भी संतुष्ट उस बात से हो गए, इसलिए हम नहीं आए शाम को। और सुबह 4 बजे करीबन हमको कॉल मिला कि आपकी बहन ज़्यादा सीरियस है और हम उनको नीमच लेके जाना है, तो आप आओ। और हम वहाँ पर पहुँचे जिस टाइम पे, उस टाइम पे ममता अकेली लेटी हुई थी, उसका बच्चा साथ में, ये बच्चा साथ में बैठा था और मृत अवस्था में थी। पुलिस कह रही है कि कार्रवाई करेंगे बस। और एक को अरेस्ट किया था ममता के पति को, उसको उसी दिन छोड़ दिया वापिस, वही है ना गांव में। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।